वही उत्तर प्रदेश की तरह ही अब उत्तराखंड में भी कावड़ यात्रा के रूट पर दुकानदारों के साथ साथ होटल और ढाबे वालों को रेट लिस्ट के साथ ही अपना नाम भी लिखना होगा। वहीं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर एपी अंशुमान ने बताया कि लगातार कावड़ियों की तरफ से कावड़ पटरी पर शिकायतें सामने आ रही थी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में होटल, रेस्टोरेंट और छोटे कारोबारियों पर सत्यापन ड्राइव चलाया जा रहा है। इसके साथ ही कावड़ मार्ग पर जो होटल, ढाबे, रेस्तरा है या जो रेड़ी पटरी वाले हैं, उन्हें उनके मालिक का नाम अनिवार्य रूप से लिखना होगा। ऐसा ना करने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये चूंकि कांवड़ यात्रा मार्ग पे आपने देखा होगा विगत वर्षों में भी और इस साल भी छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद हो जाता है। जैसे कल प्याज लहसुन को लेकर वाले खाने को परोसने को लेकर के विवाद हो गया था, तो इस तरह के ये विवाद तभी हो जाता है जब रेट लिस्ट नहीं लिखा रहता है। पता चला कि कोई सामान खरीदा किसी ने और उसका एग्जॉर्बिटेंट रेट पे पैसे मांग लिए गए, उसको लेकर विवाद हो जाता है। कई बार पता चला कि जो प्रोप्राइटर है वो किसी दूसरे धर्म का या कहीं से है, तो इस तरह की सिचुएशन पैदा हो जाती है जो एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में क्रिएट हो जाती है। उन सबको देखते हुए एक वेरिफिकेशन ड्राइव भी चलाया जा रहा है और सबको ये निर्देशित किया गया है कि जो भी लोग जिनके नाम पे वो मिला है उनको ठेगा, वो अपना नाम डिस्प्ले करें साथ में, जिससे कि हमें वो मालूम रहे कि कौन सी व्यक्ति है। इसमें कोई एंटी सोशल एलिमेंट तो नहीं है, एंटी नेशनल एलिमेंट तो नहीं है जो वहाँ उस हमारे इसको उसमें बेगिन डालने का प्रयास कर सकता है। उसी के तहत ये हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और उसमें कोशिश यही है कि सभी लोग आइडेंटिफाइड हों, वेरीफाइड हों और एक रेट लिस्ट वहाँ पर रहे, जिससे कि कांवड़ियों के मन में जहाँ पे जिनको सामान खरीदना है, खाना पीना है, वो अपना करेंगे, लेकिन कोई विवाद की स्थिति पैदा नहीं होगी।